पठान 2 में विलन कौन हो सकता है? जब से पठान 2 की अनाउंसमेंट हुई है, बाजार गर्म चल रहा है कि पठान 2 में कौन विलन होने वाला है, किसका कैमियो होने वाला है। तो बताऊंगा 5 ऐसे नाम जो कि पठान 2 में विलन के तौर पर अगर आए तो मूवी फाड़ डालेगी भाई साहब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पहला नाम है हमारे अपने सबके लॉर्ड बॉबी। जी हाँ, लॉर्ड बॉबी का आजकल टाइम चल रहा है और लॉर्ड बॉबी कई सारी फिल्मों में विलन का रोल निभा रहे हैं। अगर जस्ट आप इमेजिन करके देखिए कि SRK के अगेंस्ट विलन के रोल में लॉर्ड बॉबी हमें पठान 2 में देखने को मिलते हैं, तो भाई मूवी किस लेवल की बनेगी। एनिमल मूवी ने हमें सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बॉबी के 10 मिनट के रोल के लिए सारी महफिल लूट ली थी। अगर लीड रोल में पठान 2 में विलन में लॉर्ड बॉबी आ जाते हैं तो भाई साहब लॉर्ड बॉबी कमाल करके दिखा सकते हैं। दूसरा नाम है जिमी, यानी कि पठान में जो विलन था जॉन अब्राहम। जी हाँ, किसी भी तरह अगर पठान 2 में जॉन अब्राहम को जीवित करके अंदर डाल सकते हो तो भाई साहब इससे अच्छा वायर ऐप के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से पठान में विलन का रोल जॉन अब्राहम ने निभाया था, अलग ही लेवल के लग रहे थे जॉन अब्राहम। तीसरा नाम है विजय सेतुपति। जी हाँ, आपने सही सुना, अभी SRK की जवान मूवी आई थी, उसमें विजय सेतुपति ने विलन का रोल निभाया था और क्या बखूबी विलन का रोल निभाया था, SRK को टक्कर दी थी। और विजय सेतुपति तो बने ही विलन रोल के लिए है, अगर ये कॉलैब भी हो जाता है तो पठान 2 में तहलका मच सकता है। बात तो सही है। चौथा नाम है मेरी नजरों में टाइगर श्रॉफ। पॉसिबिलिटी तो नहीं लगती, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को वार मूवी में हम देख चुके हैं, और किसी भी तरह अगर हो सकता है तो टाइगर श्रॉफ को पठान 2 का विलन बनाया तो भाई साहब तहलका मच सकता है। टाइगर श्रॉफ एक्शन के मामले में, इवन वार में जिस तरह से एक्टिंग की थी, भाई साहब लाजवाब। तो लेकिन पॉसिबिलिटी तो नहीं लगती, लेकिन किसी भी तरह अगर फिट होते हैं टाइगर श्रॉफ तो जरूर करना चाहिए। और पांचवा नाम आप सब बताओगे कि पठान 2 के लिए विलन के रोल के लिए कौन बेस्ट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में टूट पड़िए। और ऐसे ही खबरों के लिए आपके अपने चैनल पागल बॉलीवुड SM को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।